हाय दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दे पे इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। और ये मुद्दा है लैंड पुलिंग पॉलिसी ऑफ दिल्ली। हाँ, आप लोग शायद काफ़ी लोग जानते होंगे कि लैंड पुलिंग पॉलिसी दिल्ली में काफ़ी समय से बन रही है, इसके ऊपर काफ़ी समय से काम चल रहा है। आज से 3 से 4 साल पहले तो इसका काफ़ी हो हल्ला था, एल जोन के नाम पर काफ़ी ठगी हुई, इसमें काफ़ी लोगों को गुमराह किया कई बिल्डर्स ने। और ग्राउंड पे कुछ नहीं था, बट मतलब हवाबाजी में चीज़ें बेची गई और लोगों ने, कईयों ने बुकिंग भी कराई और कईयों का पैसा फंस गया, कईयों को वापस मिल गया। तो ये जिनका जिनको ये जिन्होंने ये झेला है वो तो खासकर ये जानते ही होंगे। बट आपको मैं बता दूं कि लास्ट कुछ ही हफ्तों पहले, मतलब ये 14 तारीख को, जो लास्ट 14 तारीख गई है, वहाँ पर DDA ने इस लैंड पुलिंग पॉलिसी को आखिरकार अपनी तरफ से ग्रीन झंडी दे दी है। और इस ग्रीन झंडी के साथ इन्होंने, पहले क्या था कि पहले लैंड पुलिंग पॉलिसी में सिर्फ हाई राइज अपार्टमेंट या उस तरह की सोसाइटी बनाने का विकल्प दिया गया था DDA के द्वारा डेवलपर्स को, बट अब इसके अंदर प्लॉटिंग प्रोजेक्ट्स भी आ सकते हैं और साथ के साथ में कमर्शियल प्रोजेक्ट भी आ सकते हैं। और ये देखिए, जिनको नहीं पता है कि लैंड पुलिंग पॉलिसी क्या है और ये क्या है, तो मैं उनको थोड़ा सा विस्तार में बता देता हूँ कि देखिए, पहले क्या होता था कि दिल्ली में जहाँ पे भी कोई कॉलोनी सिस्टमेटिकली काटी जाती थी तो वहाँ पे DDA खुद लैंड अक्वायर करता था, फिर उस लैंड को डेवलप करता था, फिर वहाँ पे फ्लैट बनाता था और फिर वो फ्लैटों को बेचता था। बट अब क्या हुआ कि DDA के पास भी फंडिंग की इतना नहीं है, क्योंकि रिक्वायरमेंट इतनी है, इतने फ्लैट्स की रिक्वायरमेंट है, लोग आए दिन दिल्ली की तरफ लोग आते जा रहे हैं, आकर्षित होते हैं गाँव से। मतलब दिल्ली में दिल्ली की जो कैपेसिटी है वो हम उसको बढ़ाना चाहते हैं, बेसिकली रेजिडेंशियल डिमांड बढ़ रही है और कमर्शियल की भी डिमांड बढ़ रही है। तो दिल्ली के NCR के रीजन में देखिए, अगर आप हम गुड़गांव की बात करें, नोएडा की बात करें, यहाँ पे कितने फ्लैट्स बन गए, मतलब जबकि ये दिल्ली से काफ़ी बाद के एरिए हैं, यहाँ पे काफ़ी बाद में डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। बट ये देखा जाए तो यहाँ पे अगर आज के टाइम में हम देखें तो ये दिल्ली से एक तरह से आगे दिखते हैं, और दिल्ली देश की राजधानी है। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए गवर्नमेंट ने ये लैंड पुलिंग पॉलिसी बनाई है कि अगर DDA एरिया नहीं डेवलप कर सकता, DDA के पास इतनी फंडिंग नहीं है, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि जैसे हमने हरियाणा में देखा, चाहे हमने नोएडा में देखा कि भाई प्राइवेट डेवलपर आए और प्राइवेट डेवलपर लैंड खरीदें या फिर डायरेक्ट फार्मर से खरीदें या अथॉरिटी से खरीद के वहाँ पर डेवलप करें उस एरिए को। तो इसी के तहत लैंड पुलिंग पॉलिसी बनी थी, इसको 2013 में नोटिफिकेशन आया था, 2018 में इसको इम्प्लीमेंट किया, मतलब कुछ पेपर्स पे इम्प्लीमेंट हुई थी, बट अब लगता है कि 2021 में ये फाइनली ग्राउंड पे इसका काम हमें शायद दिख जाए। अब इसमें हुआ क्या है दोस्तों कि देखिए, दिल्ली में अब लैंड, अगर हम कहें कि फ्लैट बनाने, तो आप कहेंगे लैंड कहाँ पर है, लैंड कहाँ पर है, लैंड तो है नहीं दिल्ली में, लैंड तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। बट आपको मैं बता दूं कि अभी भी दिल्ली में बहुत सारा लैंड है जो दिल्ली के जो भी बॉर्डर लगते हैं हरियाणा साइड में, जहाँ जहाँ भी बॉर्डर लगता है, बॉर्डर का एरिया, तो वहाँ पे बहुत सारे विलेजेस हैं जहाँ पे बहुत सारी लैंड पड़ी हुई है। तो वही लैंड को अक्वायर्ड कर रही है DDA इसके अंदर। अब उसमें हुआ कैसे कि जैसे उन्होंने किसानों को अप्रोच किया, किसानों पहले, अब इतना फंड्स तो DDA के पास भी नहीं था कि वो सीधा ज़मीन ले लेती, और फिर वहाँ पे लैंड एक्विजिशन और फिर लैंड के रेट भी बढ़ गए हैं अब, तो इतना फंडिंग नहीं थी DDA के पास। तो फिर DDA ने एक स्कीम लगाई कि अगर आप मुझे, मतलब मान लीजिए कि 100% लैंड देते हैं, तो मैं, मतलब किसानों से उन्होंने बोला कि अगर आप 100% लैंड देते हैं तो उसमें से 40% लैंड मैं अपने पास रख लूँगा और उसके बिहाफ पे मैं आपका एरिया वो डेवलप करूँगा, मतलब डेवलप करके देंगे, जिसमें सड़कें, रोड, स्कूल, इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी वहाँ पे चाहिए वो डेवलपमेंट होगा, और बाकी आपको 60% लैंड आपको ऐसे ही वापस कर दिया जाएगा उसमें से। और जो 60% लैंड है आप वो चाहे आप उसको खुद डेवलप कर लीजिए, वहाँ पे कोई हाई राइज बिल्डिंग बना लीजिए, चाहे वो कमर्शियल का कोई स्पेस बना लीजिए, या फिर किसी प्राइवेट डेवलपर को भी आप अप्रोच कर सकते हैं। तो देखिए, अब दिल्ली के गुड़गांव में क्या था, गुड़गांव में या फिर हम हरियाणा की बात करें, स्पेशली गुड़गांव की बात ही होती है, तो यहाँ पे इस तरह की डेवलपमेंट बड़े ज़ोरों से हो रही थी, तो यहाँ के किसानों को बहुत फ़ायदा हुआ जो, क्योंकि अच्छे दामों पे उनकी ज़मीनें बिकी। तो दिल्ली के किसानों को, ये जो दिल्ली के विलेजेस थे, करीबन 95 गाँव हैं जिसमें, मतलब 95 गाँव की ज़मीन को एक्वायर्ड करेगा DDA,
इस पॉलिसी के तहत, तो वहाँ पे उन लोगों को फायदा नहीं हो पा रहा था। मतलब एक तरह से देखा जाए तो राजधानी में उनका लैंड था, बट वो लैंड का उतना फायदा नहीं उठा पा रहे थे जैसे कि हरियाणा में आप लोग उठा रहे थे किसान। इवन दो अब तो नोएडा में भी ठीक ठाक रेट मिलने लग गए थे, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में भी किसानों को, तो ये चीज़ का फायदा यहाँ पे दिल्ली के किसानों को नहीं मिल रहा था। तो ये इस तरह से पॉलिसी आई, तो इसमें डीडे ने कहा भी हम 40% आपसे ले लेंगे और उसके भी आप पे हम आपके एरिया में डेवलपमेंट करके देंगे और 60% आप अपना प्राइवेट डेवलपर को बेच सकते हो। तो इसमें काफ़ी किसानों ने सहमति दिखाई क्योंकि उन्हें लगा कि चलिए 60% तो हमारे पास है और उस ज़मीन और उसके पास उसका अच्छा दाम भी मिल जाएगा, क्योंकि जब एरिया डेवलप होगा तो वहाँ पे डेवलपर उससे वो अच्छा दाम भी चार्ज कर सकते हैं। तो इस तरह से ये स्कीम इम्प्लीमेंट हुई। अब करीबन 650 हेक्टेयर ज़मीन के कागज ऑलरेडी इंटरेस्ट जो डीडे के पास सबमिट कर चुके हैं किसान। तो अब हमें ये देखना है कि अब डीडे किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करती है ऑन ग्राउंड लेवल, किस तरह से इन एरियाज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम स्टार्ट होता है और कैसे कैसे यहाँ पे प्रोग्रेस होती है, और जिससे कि आने वाले टाइम में डीडे का जो अनुमान है कि उन्होंने 17 लाख फ्लैट्स, मतलब 17 लाख रेजिडेंशियल यूनिट बनानी है, कमर्शियल की तो आप छोड़ दीजिए, तो 17 लाख रेजिडेंशियल यूनिट जो बना के देनी है दिल्ली के इन बॉर्डर वाले विलेजेस के एरिया में जो भी है, तो 17 लाख यूनिट बनानी है। और जिसके लिए लैंड तो मेरे ख्याल से काफ़ी है, इनके पास ऑलरेडी लैंड आ चुका है, बट अब उस पर ये है कि पहले इनको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके देना है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो तभी डेवलपर आएगा, क्योंकि डीडीए नहीं चाहती कि गुड़गांव जैसा हाल हो जाए या हरियाणा जैसा हाल हो जाए कि भाई सीधा हम सब कुछ चीज़ें बिल्डर या डेवलपर पर छोड़ दें और बाद में वहाँ पे बिल्डिंगें खड़ी हो जाएँ ना वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो पाए। तो इस तरह की गलती डीडीए नहीं करना चाहता, तो इसलिए डीडीए ने ये स्कीम जो बनाई है काफ़ी प्रैक्टिकल लग रही है। बाकी अब देखते हैं कि ग्राउंड लेवल पे, आपको जानते हैं कि दिल्ली में सरकार किसी और की है और सेंटर में सरकार किसी और पार्टी की है, तो अब ये दोनों के समय जब तक दोनों की एक राय नहीं बनती तो इतना जल्दी इसको ग्राउंड लेवल पे लाना थोड़ा सा टफ है, बट होपफुली ये अब आ जाएगी और दिल्ली के किसानों को भी इसका फ़ायदा मिलेगा। पॉलिसी के अंदर दिल्ली को कुछ जोन्स में डिवाइड कर दिए हैं, जो ये 95 विलेजेस हैं जो भी बॉर्डर के, इनको जोन्स में डिवाइड कर दिया गया है, अलग अलग PNL इस तरह के जोन बनाए हैं। तो इसमें अब आपके मतलब कुछ गांव इस जोन में आएंगे, कुछ गाँव इस जोन में आएंगे, तो यहाँ पे अलग अलग एरिया में अलग अलग तरह से डेवलपमेंट होगा। और बाकी एल जोन की, क्योंकि एल जोन द्वारका के नज़दीक पड़ता है, तो एल जोन की बहुत ज़्यादा डिमांड है क्योंकि यहाँ से एयरपोर्ट भी नज़दीक है, गुड़गांव भी नज़दीक है, तो एल जोन की ऑब्वियसली जो मुझे लगता है कि जो एल जोन के आसपास जो ज़मीन आ रही है यहाँ पे थोड़ी सी कीमतें भी ज़्यादा होंगी और यहाँ पे डेवलपमेंट भी जल्दी होने का जहाँ तक मेरे को उम्मीद है कि यहाँ पे डेवलपमेंट थोड़ी सी जल्दी हो जाए बाकी जोन के मुकाबले। तो प्रॉपर्टी एक्सपर्ट का ये मानना है कि जैसे ही इस पे ग्राउंड लेवल पे इस लैंड पुलिंग में दिल्ली में काम स्टार्ट होता है और काम दिखता है, तो इससे दिल्ली NCR में जो बढ़ती हुई कीमतें, मतलब NCR की रीजन में जो कीमतें बढ़ रही हैं, जैसे नोएडा, गुड़गांव, गाज़ियाबाद, फरीदाबाद वगैरह के जो भी एरिया हैं जहाँ पे कीमतें दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं, इन पे लगाम लगेगी और ये कीमतें थोड़ी स्थिर रहेंगी, मतलब इस तरह से ऐसे नहीं बढ़ेंगी। और हो सकता है एक्सपर्ट ये भी मानते हैं कि इन फ्यूचर ये भी हो सकता है कि जैसे कि आज के टाइम में अगर कोई निवेशक है तो वो गुड़गांव या नोएडा की तरफ ही भागता है, तो उसके लिए एक विकल्प साबित होगा ये। और हो सकता है कि नोएडा और जो गुड़गांव में निवेशक इतना इंटरेस्ट ना दिखाए तब, और इन फ्यूचर दिल्ली की तरफ ही लोग निवेश करें। तो इस तरह से ये पॉलिसी एक तरह से देखा जाए तो अनकंट्रोल जो प्राइजेस हो रहे हैं NCR में उसके ऊपर लगाम लगाएगी, और एक्सपर्ट भी ये चीज़ को मानते हैं। और हो सकता है कि मतलब कि ये लगाम देखिए वो तो समय बताएगा, बाकी जहाँ तक उम्मीद है कि इसमें रेट इतने कॉम्पिटिटिव आने वाले हैं कि जैसे अगर आप गुड़गांव में प्रॉपर्टी ले रहे हैं या फिर नोएडा में ले रहे हैं, हो सकता है उसी रेट में या उससे थोड़ा सा कम रेट में भी आपको यहाँ पे चीज़ें मिले। तो अगर दिल्ली जैसे दिल्ली राजधानी है, अगर दिल्ली राजधानी में हमें चीज़ मिल रही है तो हर कोई जानता है कि भाई दिल्ली को कि दिल्ली में ही सारी सुविधाएं मिल जाएं आपको, जो जैसे जिसके लिए आप लोग नोएडा या गुड़गांव का रुख करते थे, तो मेरे को लगता है कि लोग काफ़ी दिल्ली में ही रहना पसंद करेंगे क्योंकि जो दिल्ली में फैसिलिटी आपको मिलती है वो आपको NCR रीजन में नहीं मिल सकती।
तो इसलिए मैं उन लोगों से जो खासकर जैसे इन्वेस्टर जो अभी गुड़गांव या नोएडा की तरफ इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, तो उन लोगों से खासकर अगर मतलब खासकर निवेदन करूँगा कि थोड़ा सा देखिए, रुक के कीजिए, सोच समझ के पैसे को निवेश कीजिए। क्योंकि अगर ये पॉलिसी आती है, जैसे ये ग्राउंड लेवल पे काम इसका स्टार्ट होता है, तो काफ़ी चेंजेस देखने को मिलेंगे दिल्ली एनसीआर के रियल एस्टेट मार्केट में। तो इसलिए अभी ऐसा ना हो कि आप जल्दबाजी में निवेश कर दें किसी ऐसे एरिया में जहाँ पे आपको फिर बाद में अच्छे रिटर्न्स ना मिल पाए, और आपने महंगी प्रॉपर्टी ले ली हो और हो सकता है वो उतने उतना भी रिटर्न ना दे पाए आपको इन फ्यूचर। तो खासकर जैसे जो गुड़गांव में निवेश कर रही हैं या नोएडा में निवेश कर रहे हैं, तो अभी मैं कहूँगा कि अभी थोड़ा सा रुक के कर सकते हैं, थोड़ा सा आप समय दे सकते हैं। समझ लीजिए, हो सकता है ये ग्राउंड लेवल पे इसका काम दिख जाए। अगर हाँ, देखिए ये ज़्यादा लंबा खींचता है इसका काम, और इस पॉलिसी में ज़्यादा समय लगता है भाई, बहुत ग्राउंड लेवल पे आने में बहुत समय लग रहा है अभी भी। मतलब जैसे पेपरों में तो चलो फाइनलाइज हो गई है, पर अगर ग्राउंड लेवल पे आने में इसको समय लग गया तो फिर इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा इस पॉलिसी का भी। बट अगर ये 1-2 साल के अंदर ग्राउंड लेवल के ऊपर आ जाती है तो समझ लीजिए कि इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो इसलिए अभी जो निवेश करने का समय है, एनसीआर में अगर आप निवेश करने की सोच रहे हैं, गुड़गांव, नोएडा, गाज़ियाबाद, फरीदाबाद, कहीं भी निवेश करने की सोच रहे हैं, खासकर निवेश के पर्पस से सोच रहे हैं, तो मतलब इन्वेस्टमेंट पर्पस है आपका, तो आप सोच समझ के कीजिएगा। क्योंकि ये जैसे ही ऑप्शन खुलेगा तो बहुत लोग इस तरफ भी भागेंगे, क्योंकि हमने देखा था 3 से 4 साल पहले, मैंने खुद इस चीज़ को नोटिस किया है कि जब गुड़गांव के लिए लोग मतलब कि डीलर्स अप्रोच करते थे लोगों को कि यार गुड़गांव में ये प्रॉपर्टी है, तब एलजोन का बोलबाला बहुत था। तो अभी जबकि कुछ क्लैरिटी नहीं थी, बट फिर भी लोगों ने इतना इंटरेस्ट दिखाया, काफ़ी लोग उसमें बुकिंग ऑलरेडी करा दिए थे। चलो वो फ्रॉड था जो भी था, बट वो गलत था उस टाइम में, बट फिर भी आप सोचिए, उससे एक मतलब एक आइडिया आपको मिल जाता है कि लोग अभी भी दिल्ली में, दिल्ली अगर दिल्ली में ऑप्शन उनको मिल जाए तो वो दिल्ली में ही रहना पसंद कर रहे हैं, और ख़ासकर दिल्ली वाले तो दिल्ली में ही रहना पसंद करते हैं। तो इसलिए अभी ये समय थोड़ा सोच विचार करने का, इन्वेस्टर को भी रुकना है, क्योंकि ये ना हो कि आप सोच रहे हैं कि स्टॉक मार्केट पिट चुका है, अभी क्रिप्टो नीचे गिर रहा है, तो मैं जाके सीधा पैसा घुसा दूँ अपना रियल स्टेट मार्केट में। रियल स्टेट मार्केट भी देखिए पूरा उसके साथ ही चलता है, पूरा इकोनॉमी के साथ ही उसका भी टच्ड है। जैसा इकनॉमी अच्छा कर रही है तो रियल एस्टेट भी अच्छा करता है, तो अगर इकनॉमी हमारे देश की अच्छा नहीं कर रही तो रियल एस्टेट पे भी उसका इम्पैक्ट आता है। तो अगर स्टॉक मार्केट में अच्छा नहीं परफॉर्मेंस मिल रही है, तो आप सोचिए रियल एस्टेट में भी वैसा ही चल रहा है, बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। तो इसलिए आपको कोई किसी तरह भी मार्केटिंग, देखिए मार्केटिंग हर कोई करता है अपने प्रोडक्ट की, अच्छे से अच्छी तरह से आपको प्रेजेंट करने की कोशिश करेगा कोई भी बिल्डर है। क्योंकि देखिए बिल्डर को आज माल यहाँ बेचना है, कल जब दिल्ली में पॉलिसी आ जाएगी तो उसे माल दिल्ली में भी बेचना है, तो इसलिए वो तो चाहेगा कि हाँ उसका माल जल्दी से जल्दी बिके और वो इस तरह की पॉलिसी में भी जाए, क्योंकि वहाँ पे भी उसका माल हाथों। और मैं कह रहा था, बाकी दोस्तों आप लोग जो जानते होंगे, काफ़ी लोगों ने न्यूज़ भी पढ़ी होगी या कहीं सुना होगा, एवरग्रैंडे करके चाइना की बहुत बड़ी रियल एस्टेट फर्म थी, जिसमें काफ़ी बिलियंस डॉलर्स का जिसका रेवेन्यू था एक टाइम में, या उसकी कैपिटल थी, आज वो भी पिट चुकी है, एकदम से ग्राउंड लेवल पे आ चुकी है। तो देखिए रियल एस्टेट में भी अप डाउन चल रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आप ऐसा नहीं आंख बंद करके निवेश नहीं कर सकते कहीं पे भी। तो इसलिए अगर आप अच्छा रिटर्न चाहते हैं इन फ्यूचर में, तो आपको बहुत सोच समझ के बहुत ट्रस्टेबल बिल्डर्स के साथ ही जाना चाहिए, और मैं तो कहूँगा ट्रस्टेबल बिल्डर एंड ट्रस्टेबल एरिया। तो देखिए अगर मैं आज भी बात करूं तो लोगों का ट्रस्ट, अगर हम एनसीआर की बात करते हैं, तो अगर हम दिल्ली की बात करते हैं, तो दिल्ली वासियों का ट्रस्ट आज भी दिल्ली पे है। तो इसलिए दिल्ली वासियों से खासकर अनुरोध है कि आप सोच समझ के कहीं भी इन्वेस्ट कीजिए, अगर खासकर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं। देखिए एंड यूज़ से जा रहे हैं तो ये मैटर नहीं करता, देखिए वहाँ पर एंड यूज़ का मतलब होता है आपको कहाँ पहले घर मिल रहा है। देखिए घर आपके रहने के लिए चाहिए, अगर आपके पास रहने के लिए कोई विकल्प नहीं है, आप किराए पे रहना नहीं चाहते, तो ठीक है आप कहीं पे भी निवेश कर दीजिए जहां आपको जल्दी घर मिल जाए। ऑल दो बिल्डर की क्रेडिबिलिटी, बिल्डर का बैकग्राउंड सब कुछ आपको चेक करना है, क्योंकि जब इतनी बड़ी कंपनी, एक वर्ल्ड वाइड नोन कंपनी,
मान लो रातों रात कंगाली दिखा सकती है, तो आप सोचिए कि छोटे मोटे बिल्डरों का क्या 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 हम क्या कह सकते हैं। तो इसलिए अब चाहे रेरा आ गया, चाहे कोई भी एक्ट आ गया, पर आपको अपनी सावधानी, आपको अपना डाटा पूरा काम करके, पूरी नॉलेज लेके, और स्पेशली मैं तो बताऊंगा जिस बिल्डर की आप अगर कोई प्रोजेक्ट रेडी है, अगर उसका प्रोजेक्ट ले रहे हैं और कोई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट ले रहे हैं, तो उसके रेडी प्रोजेक्ट में जाके रिव्यू कीजिए कि कैसी सर्विसेज दे रहा है। क्योंकि देखिए, आप रहने के लिए चीज़ ले रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो ले नहीं रहे। खासकर मैं एंड यूज़र की बात कर रहा हूँ, जिसे इन्वेस्टमेंट कर दी तो उसे इतना मैटर नहीं करता, चलिए वो रेंट पे दे देगा या रेंटर झेलेगा, वो ठीक है, थोड़े दिन परेशानी वो झेलता रहेगा। बट जो एंड यूज़ के लिए प्रॉपर्टी लेता है, तो उसके लिए खासकर ये हिदायत है मेरी तरफ से कि वो बिल्डर के बैकग्राउंड को तो चेक करे करे जब वो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट ले रहा है, और अगर रेडी टू मूव ले रहा है तो उसके लोगों से रिव्यू ले लीजिए जो वहाँ पे रहते हैं। और अगर अंडर कंस्ट्रक्शन ले रहे हो तो अगर कोई उस बिल्डर ने ऑलरेडी प्रोजेक्ट बनाया है तो वहाँ पे जाके रिव्यू कर सकते हैं, वहाँ जाके उसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी देख सकते हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि हाँ कि कैसा रहेगा वो आपके फ्यूचर में, कि कैसी सर्विसेज वो आपको मिलेंगी वहाँ पे, कि जिससे बाद में आपको ना अंत में पछतावा ना हो। तो इसलिए बहुत सतर्कता से इन्वेस्टमेंट करना है, रेजिडेंशियल में कर रहे हैं, कमर्शियल में कर रहे हैं। कमर्शियल में जो खासकर मेरे से कई लोग गुड़गांव के कमर्शियल के रिलेटेड भी बोलते हैं, हालांकि मेरा ये वीडियो कमर्शियल से रिलेटेड नहीं था, बट मैं आपको बता दूं कि कमर्शियल बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है गुड़गांव रीजन में, हर एक सेक्टर में कमर्शियल का है, मतलब ऑप्शन है, आपको हर एक सेक्टर में कमर्शियल बेल्ट मिलेगी। तो जबकि इतनी डिमांड नहीं है अभी, रेजिडेंशियल की डिमांड नहीं है इतनी, तो कमर्शियल की भी नहीं है। तो ये सोच लीजिए, रेजिडेंशियल की डिमांड जबकि इतनी नहीं है, तो कमर्शियल की तो आप सोच लीजिए बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे कमर्शियल में निवेश कर रहे हैं तो 100 बारी सोच के कीजिए। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को हैंडल करना आसान है, कमर्शियल प्रॉपर्टी को हैंडल करना उतना ही मुश्किल है, जिसमें देखिए ज़्यादा रिटर्न दिखता है वहाँ पर ज़्यादा रिस्क होता है, तो ये मान के चलिए। तो इसलिए कमर्शियल प्रॉपर्टी में, मतलब अगर आप रेजिडेंशियल में एक बारी सोचते हैं तो उसमें 10 बारी सोच के निवेश कीजिए। और बाकी अगर आप चाहते हैं कि मैं कमर्शियल वर्सेस रेजिडेंशियल और थोड़ा ब्रीफिंग कर दूं, या मैं कमर्शियल के ऊपर कोई सीरीज़ बना दूं, तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। और दोस्तों देखिए, मैंने जो अब जानकारी थी इस मेरे हिसाब से मैंने काफ़ी हद तक आपको दे दी है, आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिल गई होगी कि दिल्ली के ये जो लैंड पुलिंग पॉलिसी है उससे क्या इम्पैक्ट आ सकता है। तो इन्वेस्टर के लिए तो खासकर ये वीडियो जो था इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से था, तो इन्वेस्टर को बहुत सोच समझ के इस टाइम कदम उठाने चाहिए, क्योंकि रियल स्टेट में भी बहुत ड्रास्टिकली चेंजेस आ रहे हैं। तो दोस्तों चलिए, अब मैं आशा करता हूँ मैंने काफ़ी हद तक आपकी काफ़ी क्वेरीज की एक ही वीडियो में क्लियरेंस कर दी है। और चलिए दोस्तों, अब इसको अंत करते हैं इस वीडियो को, काफ़ी वीडियो भी लंबा हो चुका है। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि देखिए, आप वीडियो देखते हैं तो इसे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दिया जाएगी, जिससे मेरे को आगे हौसला मिलता रहे और आगे भी मैं आपके लिए इस तरह की जानकारी समय समय पर लाता रहूं। तो इसलिए कृपया करके मेरे वीडियो में लाइक शेयर और कमेंट, और शेयरिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट शेयर है। जितना शेयर करेंगे उतना ही आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाएंगे, बहुत लोग जो गलत जगह इन्वेस्टमेंट करने से आपकी वजह से बच जाएंगे। तो इसलिए दोस्तों चलिए, अब इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं और मिलेंगे अब एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर।